नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया के सबसे नंबर वन मॉल एमबीएस मॉल में, जहां पर बम होने की सूचना मिली थी। आइए चलिए जान लेते हैं, यहां से एसीपी हैं जो बता रहे हैं कि बम होने की सूचना कितनी तथ्य है, कितनी सच्चाई है। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि इस बात में कितना दम है। सर, यहाँ पे जो बम होने की सूचना मिली थी उसमें कितनी तथ्य है? देखिए, बम होने की सूचना में कोई सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। हम लोगों ने अपनी टेक्निकल टीम से, पुलिस की टेक्निकल टीम से पूरे होटल को सैनिटाइज कराया है। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड हम लोगों का जो था, उससे हमने पूरे होटल को सैनिटाइज कराया है, तो किसी भी तरीके की कोई सस्पिशियस चीज़ हम लोगों को नहीं मिली है। जिसने कॉल की थी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? उसका कोई कॉल नंबर ट्रेस किया गया? जी, लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। अगर बॉम्ब अंदर नहीं है और ये फेक कॉल है, तो लोगों को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, ये प्रोटोकॉल होता है, कभी भी इस तरीके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम लोग पूरे उस जगह को इवैक्यूएट करें, लोग जितने भी अंदर उनको बाहर असेंबली एरिया में इकट्ठा करें और लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें वहाँ पर जाने से, ताकि उसको अच्छे से हम सैनिटाइज करें। और जब तक वो सेफ नहीं डिक्लेयर की जाती वो जगह, तब तक हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। थैंक यू सर। तो जो एसीपी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बॉम्ब होने की जो सूचना मिली थी वो फेक कॉल थी, और जिसने कॉल की थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लोगों को जो रोका जा रहा है वो प्रोटोकॉल के तहत रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सामने पुलिस फोर्स भी काफ़ी मौजूद है और इसी एमबीएस मॉल के बाहर मौजूद है। एसीपी साहब भी बाहर ही खड़े हुए हैं, और लेकिन लोगों को जो रोका जा रहा है अंदर बाहर जाने से, वो प्रोटोकॉल के नियम जो हैं उनको देखते हुए अंदर रोका जा रहा है। लेकिन जो स्टाफ मेंबर हैं वो भी इस मॉल के बाहर हमें मौजूद मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये सूचना भी सही थी कि एमबीएस मॉल में बॉम्ब है। तो इस खबर को और ज़्यादा जो आगे क्या कुछ निकलेगा वो आने वाला अभी थोड़ी देर में समय में पता चल जाएगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस मॉल के अंदर बॉम्ब है या नहीं। फिलहाल एसीपी कौशिक के अनुसार तो मॉल के अंदर बॉम्ब है ही नहीं, क्योंकि ये जो सूचना मिली है 85% फेक है, फेक कॉल थी, और उस जिसने कॉल किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं अंजू भाटी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।